हेलो फ्रेंड्स, हम आपके सामने लाए हैं चेस, जिसमें मैं आपको चेस खेलना बताऊंगा। इसमें होते हैं 64 ब्लॉक्स, कुछ 32 वाइट होता है, 32 ब्लैक। पर सबसे पहली बात, इसमें मैं आपको गोटियों की इंग्लिश वर्सेस हिंदी के नाम भी बताऊंगा। ये जो होता है, ये होता है, ध्यान से देखिए, ये होता है रूक, इसे हिंदी में कहा जाता है हाथी। ये होता है टू साइड पे, एक ब्लैक साइड पे, एक वाइट साइड पे, सी वन ब्लैक वन वाइट। ये होता है नाइट, इसे कहते हैं हिंदी में घोड़ा, ये एक ब्लैक पे होता है, एक वाइट पे होता है, सी। ये होता है विशोप, इसे अगर इसे हिंदी में कहा जाता है ऊंट, अगर ये वाइट पे खड़ा है और ये ब्लैक पे, ऐसे ही होता है। ये होता है किंग, ये होता है क्वीन, मतलब राजा और रानी। अब दूसरी बात, जो हमारे सिपाही होते हैं, मतलब आप समझती हो सिपाही का मतलब, तो वो हमारे स्टार्टिंग में पहली चांस में दो कदम चले जाते हैं, और तब हम अगर गेम खेलते हैं, फिर पहली चांस करने के बाद हमें एक एक स्टेप चलाना पड़ता है, लाइक दिस वन स्टेप। और ये जो हमारा विशोप होता है, मतलब ऊंट, इसको अगर ये ब्लैक पे खड़ा है तो ब्लैक पे ही चलाएंगे, लाइक दिस, और अगर ये वाइट पे खड़ा है तो वाइट पे ही चलाएंगे इस ऊंट को, लाइक दिस। ये जो हमारा नाइट किनाइट होता है, ये ऐसे चलता है, एक दो ढाई, लाइक दिस, एक दो ढाई। बट हेयर इज वन, इधर एक गोटी है, पहले हमें इसे को हटाना पड़ेगा, लाइक दिस, पहले यहाँ आ गई, तब हम चलेंगे एक दो ढाई या एक दो ढाई। बट वी कैन मूव इट स्ट्रेट, हम इसे सीधा नहीं चला सकते ऐसे एक दो ढाई, ओनली इन जिगजैग वे। हाथ रूक, मतलब हाथी, जो हमारा हाथी होता है वो कभी ना सी, वो कभी जिगजैग वे में नहीं चलता, लाइक जिस इस तरीके से चलता है, सीधा तिरछा आगे पीछे दाएं बाएं, पर वो ऐसे जिगजैग वे में नहीं चलेगा। जिगजैग वे में सिर्फ रानी, क्वीन एंड विशोप हो सकता है, जैसे विशोप अगर ब्लैक पे खड़ा है तो वह ब्लैक पे ही चलेगा, और अगर वाइट पे खड़ा है तो वाइट पे ही चलेगा। क्वीन ना क्वीन, क्वीन को आप कहीं भी चला सकते हैं, रानी को आप आगे पीछे दाएं बाएं जिधर आपका मन करे उधर चलाइए आप। और अब बच्चा हमारा राजा, राजा को आप सिर्फ वन स्टेप, ओनली वन टाइम, एक बार ही चला सकते हैं, जैसे एक कदम इधर चलाइए, इधर चलाइए, इधर, राजा पीछे भी आ सकता है। बट सिपाही कभी पीछे नहीं आता, अगर आपने एक कदम चलाया तो वो पीछे नहीं आएगा। अगर हमारी गोटी इधर खड़ी है और हमारा ये सामने ब्लैक की गोटी अगर इधर खड़ी है फॉर एग्जाम्पल, और हमें ये गोटी मारनी है, तो हमें तिरछे में मारनी होगी, हम सीधे गोटी कभी नहीं मार सकते।